रावण जी ने कहा आपका अवतार राम कार्य के लिए भया है। हनुमान जी सुने राम काज लगी मम अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी कपियों के सामने विराट रूप धारण करके खड़े हो गए, सिंह की आवाज में दहाड़ मारकर बोलने लगे। आपने कहा जामन जी कोई पार नहीं कर पाया, मैं सिंहनाद करी बार ही बारा, सिंहनाद कही बार ही बारा, ले लही नाघव जलन दिखारा, ले लही नाघव जलन दिखारा। सहित सहाय राव नहीं मारे, सहित सहाय राव नहीं मारे, आनो यहाँ त्रिकूट उपारे, आनो यहाँ त्रिकूट उपारे। जामवंत मैं पूछो तो ही, जामवंत मैं पूछो तो ही, उचित सिखावन दीजो मोहे, उचित सिखावन दीजो मोहे। हनुमान जी विराट रूप धारण कर लिए, मानो स्वर्ण की अट्टालिका खड़ी हो गई हो, दहाड़ मार कर बोलने लगे। जामन जी ने आपने कहा कि कोई समुद्र को पार नहीं कर पाया, मैं खेल खेल में पार करूंगा, जाऊंगा रावण को पकड़ के आज ही मसल के मार डालूंगा। कहिए पूरी सेना को रगड़ के मार डालूं, नहीं तो कहिए पूरी लंका उठा के यहां पे रख दूं, क्या करूं इनमें से, क्या करूं। जामन जी बोले पहले नीचे आइए, पहले नीचे आइए, आप न रावण को मारिएगा, न सेना को मारिएगा, न लंका को लेकर आइएगा, कुछ नहीं करेंगे। फिर इतना करहु तात तुम जाए, इतना करहु तात तुम जाए, सीत ही देखी कहो सुधि आए, सीत ही देखी कहो सुधि आए, सीत ही देखी कहो सुधि आए। हनुमान जी बोले आज ही मार डालूंगा रावण को, सहित सहाय राम नहीं मारी, जाऊंगा सैनिकों के साथ रावण को रगड़ रगड़ के मार डालूंगा, नहीं तो कहिए पूरी लंका उठा के रख दूं यहां पे। जामन जी बोले चुपचाप जाइए और सीता जी को देख के चुपचाप चले आइए बस। हनुमान जी बोले इतना दूर जाऊंगा, रावणवा को दो तीन फाइट मारूंगा नहीं, फिर जाने का मतलब क्या। जामन जी बोले ये हमारा आपका काम नहीं है, उसके लिए भगवान पर्याप्त है। कपि से न संग संहारी निश्चर, राम सीत ही हानि है, त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानि है। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावही, जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावही। रघुवीर पद पाखोज मधुकर दास तुलसी गावही, रघुवीर पद पाखोज मधुकर दास तुलसी गावही, दास तुलसी गावही, दास तुलसी गावही। क्या कहा जामवंत जी ने, कपि से न संग, कपियों की सेना संग में रहेगी, निशाच संहारी निशिचर राम, राम जी निशाचरों का संहार करेंगे, और राम सीत ही आनी है, राम जी ही सीता जी को लेकर आएंगे। भगवान की इस लीला को नारद आदि मुनि गाएंगे, और इस कथा को जो सुनत आप लोग गावत ई लोग अकहत, इधर हम तीनों लोग मिलके समुझत, फिर परम पद नर पावे। कहते हैं जो कथा को सुन रहा है, कही रहा है, गा रहा है, समझ रहा है, वो स्वामी जी कहते हैं वो अंत में भगवान के धाम को प्राप्त करता है। आप लोग सुन रहे हैं, ये गा रहे हैं, हम कह रहे हैं, और तीनों मिल के समझ रहे हैं, यही आज पक्का हो गया है, हम लोग अंत में भगवान के धाम की यात्रा करने वाले हैं। अब आगे की कथा सुंदर कांड में प्रवेश करती है। कितने लोगों को याद है सुंदरकांड,
बाबूजी को याद है, कई लोगों को याद है, बहुत लोग को याद है, आपको भी याद है, माई लोगों में माई को याद है, आपको भी याद है, हमको नहीं याद है। हम तो देख देख के पढ़ी रहे हैं। कितना भी याद हो ना, बिना देखे नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों? जब आप बिना देखते पढ़ते हैं ना, तो आपके मन में आता है कि हमको तो याद है, और यही आना अभिमान है, और अभिमान हो गया तो कोई फल मिलने वाला। बिना देखे पढ़िएगा तो मन में आएगा ना कि हमको तो याद है, और यही अभिमान है कि हमको याद है, ठीक ना? देख कर पढ़ना चाहिए। क्यों? बिना देखे सुन सुन के कई लोग याद करके गलत गाते हैं। दिल्ली में एक आदमाई मिली, वो गाती थी, तुम रक्षक का वो को डरना, है ना, रक्षक का माई गाती थी, तुम राक्षस का हो को डरना, तुम राक्षस का हो को डरना, सुन के याद की थी। अभी भी कई लोग कहते हैं, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल, गोपाल नहीं है, गोपार है, गोपार, गो यानी इंद्रियों से भगवान परे है, पार बोलते क्या है, माया गुण गोपाल। सुंदर कांड सब प्रकार से सुंदर है। सुंदर क्यों? सुंदर नाम के पर्वत पर इस कांड की कथा प्रारंभ भई, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर सुंदर, और उसी सुंदर नाम के पर्वत पर कांड की कथा पूरी भई, इसलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड। और क्या महाराज, इसी कांड में हनुमान जी को माई का दर्शन मिला, इसलिए सुंदर कांड। इसी कांड में हनुमान जी को सीता जी ने पहले बेटा कहा, फिर वापस आए तो राम जी ने बेटा कह दिया, इसलिए सुंदर कांड। इसी कांड में विभीषण जी को भगवान का दर्शन मिला, इसलिए सुंदर कांड। इसी कांड में विभीषण जी का भगवान ने राज्याभिषेक कर दिया, राज तिलक किया, इसलिए सुंदर कांड। इसी कांड में हनुमान जी को भगवान की भक्ति प्राप्त भई, इसलिए सुंदर कांड। इसी कांड में राम जी की सूचना सीता जी को मिली, और सीता मैया की सूचना राम जी को मिली, इसलिए सुंदर कांड। सुंदर कांड अनेक कारण से सुंदर कांड। प्रारंभ में तीन श्लोक लिखे गोस्वामी जी, और उसके बाद सीधे कथा प्रारंभ करते हैं। जामोन जी की बात, कौन सी बात? आप जाइए सीता जी का पता लगाइए, और पता के चुपचाप आकर भगवान को बताइए। एक बात याद रखिए, किसी भी समिति में संस्था में एक वृद्ध का होना बहुत जरूरी है। खैर यहां तो बहुत वृद्ध हैं, ये बात अलग है कि अपने को भले ना माने। किसी भी समिति में वृद्ध का होना बहुत आवश्यक है। क्यों? गर्म खून के लोग रहेंगे ना, तो जो बात से समस्या समाप्त हो सकती है वहां जाके मारा मारी करके चले आएंगे। अगर जामवन जी महाराज ना होते तो हनुमान जी आज ही राम कथा पूरी कर डालते। वो तो कही रहे कि जाऊंगा रावणवा को पकड़ के रगड़ के मार डालूंगा। जामवन जी बोले ना 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 ना, ये भगवान करेंगे, जाइए देख के चले आइए। जामन जी की बात, जामवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए, ताप लगी मोहि परखे हो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाए, तब लगी मोही परखे हो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाए। जामुन जी की बात हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी। कौन सी बात? जाइए सीता जी का पता लगाकर चुपचाप आइए। हनुमान जी कहते हैं, मैं जा रहा हूं, आप लोग यहीं रहिएगा। कहां? समुद्र के किनारे। वापस मत जाइएगा। कब तक? जब लगी आवो सीता ही देखी, जब तक सीता जी को देखकर वापस नहीं आता हूं, आप लोग जाइएगा मत। क्यों रोके?
हम होते तो कहते चलिए जाकर कहिए कि हनुमान गए हैं पता लगाने। हनुमान जी सोचे यदि ये कपी लोग चले गए और पीछे से मैं पता लगा कर गया तो कहा जाएगा कि हनुमान ने पता लगाया है, और यदि पता लगा कर आ जाऊं और सबको साथ में लेकर जाऊं तो फिर कहा जाएगा कि सबने मिलकर पता लगाया। ये मूल कारण है। भगवान का भक्त सामने नहीं रहता, वो पीछे रहता है। जो असल में भक्त है वो काम करके प्रचार नहीं करता। कई लोग के पास केवल फोटास और छपास की बीमारी रहती है। ये दो बीमारी है, फोटास और छपास, समझते हैं? फोटास माने मेरा फोटो आ जाए, और छपास यानी पेपर में हमारा नाम छपी जाए। जिसको फोटास की बीमारी होती है ना, चार लोग खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं तब तक वो ठीक क्लिक करने के समय चार लोगों के कमर के बीच में केवल गर्दन भर निकाल दे फोटो आ जाए मेरी। ये भगवान के भक्त का स्वभाव नहीं है। भगवान का भक्त तो अपने काम करता है और श्रेय समाज को दे देता है, अपना नाम कहीं नहीं लिखवाता कि मैंने किया है। ये कथा पांडव मिलकर करा रहे हैं का? हम विराट नगर में ना पांडवों का अज्ञातवास था। ये कथा पूरी की पूरी समिति मिलके करा रही है। समिति भी नहीं, हम तो कह रहे हैं ये रजत जयंती महोत्सव पूरा का पूरा विराट नगर मिलके करा रहा है। पूरा विराट नगर आयोजक है। भगवान का भक्त अपना नाम नहीं लिखवाता, वो तो केवल इतना कहता है अरे मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है, अरे रे सब काम हो रहा, हाँ सब काम हो रहा, हाँ सब काम हो रहा। तूफान आंधियों में तुमने ही हमको थामा, तुम कृष्ण बन के आए मैं जब बना सुदामा, तेरा करम ये मुझ पर अब सर्याम हो रहा है, करते हैं मेरे राम जी और मेरा नाम हो रहा है, मेरा तो बस आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भक्त स्वयं नहीं करता। एक कथा का सूत्र बताऊं, कोई भी कार्य प्रारंभ करने जाइए ना तो भगवान को सौंप दीजिए। प्रभु मैं निमित्त मात्र हूं, आपका व्यवहार है, आपको ही पूर्ण करना है, जैसा जैसा करवाइएगा प्रभु मैं करता जाऊंगा, अब मुझे नहीं मालूम कैसे होगा आप जानो। हम कब सौंपते हैं? जब अपना दिमाग लगा के पूरा गड्ढम गड्ढ कर देते हैं, उसको अझुरा देते हैं, तब कहते भगवान अब हमरे बस के नहीं, अब आप संभालो। काहे संभालेंगे, काहे संभालेंगे? हम लोग ना भगवान के भरोसे हैं। हम लोग 10 साल पहले जब निकले थे ना झोरा डंडा लेके, तो नहीं सोचे थे कि कौन कथा कराएगा नहीं कराएगा, आज तक नहीं सोचे। क्यों? हम लोग बानर हैं और इस बंदर के गले की डोरी रघुनाथ जी के हाथ में है। जहां जहां ले जाके नचवाते हैं हम लोग 9 दिन नाच नाच के चले आते हैं। जब वही नचवाने के लिए बैठे हैं तो अपना दिमाग क्यों लगाया जाए?
कहो जी क्यों लगाया जाए? नेपाल ले आना नचवाने के लिए? हम आपको ढूंढने आए थे? नहीं ना, आप ढूंढे, आप भी नहीं ढूंढे, आपसे उन्होंने ढूंढवाया इसलिए आपने ढूंढा। सौंप दीजिए। कभी नहीं, हनुमान जी बोले जाइएगा मत, यहीं रुकिए, जब तक सीता जी को देख कर ना आ जाऊं तब तक आप रुकिए। हनुमान जी भगवान को प्रणाम करके चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उताओ पर, कौतुक कूद चढ़े उताओ पर, बार बार रघुवीर संभाले बार बार। जय श्री राम, 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 बार बार रघुवीर संभाले बार बार रघुवीर संभाले, तर के पवन तनय बल भारे, तर के पवन तनय बल भारे, चरण दे हनुमंता, यही गिर चरण दे हनुमंता, चले उसका पाताल तुरंता, चले उसका पाताल तुरंता, जिमी अमोघ रघुपति करबाना, जिमी अमोघ रघुपति करबाना, यही भांति चले हनुमाना, यही भांति चले हनुमान, चल निधि रघुपति दूत बिचारी, जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैनाक हो तुम्हारे, तय मैनाक हो तुम्हारे, तय मैनाक हो तुम्हारे, तय मैनाक हो तुम्हारे। हनुमान जी महाराज चले, जहाज को उड़ते देखा है अपने? जहाज को, जहाज रनवे के एक छोर पे जाके खड़ा हो जाता है, पूरी तरह से रुक जाता है और उसके बाद अचानक गति पकड़ता है और आगे जाके उड़ जाता है। हनुमान जी को उड़ के 1200 किलोमीटर दूर जाना है। सिंधु सुंदर नामक पर्वत पर खड़े होकर भगवान हनुमान जी महाराज मानिए गति बढ़ाने लगे, बार बार रघुवीर संहारी, बार बार भगवान के नाम का जय घोष किए, जय श्री राम, 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 बार बार रघुवीर संहारी, तर के पवन तनय बल भारी, चल पड़े पर्वत पर पांव रखकर चले। पांव रखने से हलचल पाताल तक गई, पर्वत पाताल नहीं चले गए, हलचल पाताल तक गई, सात तल नीचे। जिस प्रकार भगवान का अमोघ बाण जाता है, अमोघ बाण कहूं, अमोघ बाण राम जी के पास थे। अमोघ बाण का अर्थ है प्रभु बाण छोड़ते थे, बाण जाता था, लक्ष्य का भेदन करता था और लौट कर भगवान के पास चलाता था, अमोघ बाण। तो जिस प्रकार अमोघ बाण लक्ष्य पूरा करके वापस आ जाता था, उसी प्रकार आज हनुमान जी भगवान के द्वारा छोड़ा हुआ अमोघ बाण बन के जा रहे हैं, अर्थात जाएंगे, काम करेंगे और वापस लौट कर आएंगे। कोई माई का लाल रोकने वाला नहीं है बीच में। समुद्र में एक पर्वत है जिनका नाम है मैनाक, पवन देव के मित्र है। समुद्र नारायण ने मैनाक से कहा कि मैनाक, ये आपके मित्र के पुत्र हैं, राम के दूत हैं, राम कार्य में लिए जा रहे होंगे, थक गए हैं, आप तनिक समुद्र से ऊपर आएंगे जल से बाहर तो ये आपके ऊपर उतर के थोड़ा विश्राम कर लेंगे। मैनाक समुद्र से बाहर आए और हनुमान जी से कहे, हनुमान जी विश्राम करिए। हनुमान जी बोले परिचय बताइए। बोले मैं आपके पिताजी का मित्र हूं। हनुमान जी बोले बाबूजी का मित्र पिता तुल्य होता है, रुकिए काका जी मैं आपको प्रणाम करूं पहले। हनुमान जी, हनुमान ते ही परसा कर, हाथ से स्पर्श किया, फिर पुनिकीन्ह प्रणाम, हनुमान
सुनत ही परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम, हाथ से स्पर्श किया फिर प्रणाम किया। अब बोले विश्राम राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक भगवान का काम पूरा नहीं कर लूंगा तब तक विश्राम कैसे लूंगा। प्रणाम करके आगे चल पड़े। हलचल कहां तक गई थी? पाताल तक। उसी पाताल में देवता लोग रावण के डर के मारे बैठे हैं। पाताल में जब सब कुछ कांपने लगा तो देवता डर गए, कहीं रावणवा तो नहीं आ रहा है। क्यों, रावण भी चलता था तो धरती डोलती थी, चलत दशानन डोलती अवन। एक देवता को भेजा गया कि आप ऊपर जाइए, जाकर पता लगाइए। देवता गए ऊपर पता लगाने, पता लगा कर आए, आकर बोले कि हनुमान जी लंका में जा रहे। अब देखिए, जो आदमी अपने मार खाया हुआ रहता है ना, वो दूसरे के बारे में भी सोचता है कि जैसे हम गए थे तो चार पांच झापड़ से स्वागत भया, इनका भी होगा। देवताओं को हनुमान जी पर संदेह हुआ तो उनके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए देवताओं ने सुरसा को ऊपर भेजा, जाइए सुरसा जी हनुमान जी के बल बुद्धि का पता लगाइए। सुरसा आई, सर्पों की मां है, आकर हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई, बोली आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया, मैं इस बंदर को खाऊंगी। हनुमान जी बोले देवताओं को बचाने के लिए जा रहा हूं, आ देवता लोग हमी को भोजन बना के परोस दिए। बोले सुनो माई, पता है कि तुमको बहुत भूख लगी है, बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं, सीता जी का पता लगा के राम जी को सुना दूं, उसके बाद अपने आप आपके मुख में चला जाऊंगा, खा लेना। परंतु सुरसा कवन हूं जतन दे नहीं जाना। तब हनुमान जी बोले ग्रस सिन मोहि कहे ओ हनुमान। जब किसी भी प्रकार सुरसा हनुमान जी को जाने नहीं दी तो हनुमान जी बोले मुंह खोलो, खाओ खाओ मुंह खोलो। तो सुरसा ने एक जोजन का शरीर बनाया, कितना बड़ा, एक जोजन यानी 12 किलोमीटर लंबा। हनुमान जी दुई जोजन के हो गए, हनुमान जी दुई जोजन के भय तो सुरसा 4 जोजन की भई, 12 चौक 48 किलोमीटर लंबा। हनुमान जी 8 जोजन के हो गए, शुरू भया खेल, दर्शन करिए। जो जन भरते ही बदन पसारा कपितन के न दुगुन बेस्तारा सोरह जो जन मुख तें ठयो तुरत पवन सुत बतिस भयो जस जस सुरसा बदन बढ़ावा आसु दून कपि रूप दिखावा सत जो जन तेहि आनन कीन्हा अति लघु रूप पवन सुत लेना। सुरसा एक जोजन, हनुमान जी 2, सुरसा 4, हनुमान जी 8, सुरसा 16, हनुमान जी 32, सुरसा 25, हनुमान जी 50, सुरसा 75 तो हनुमान जी 150। अब बढ़ाते बढ़ाते सुरसा ने 100 जोजन का शरीर नहीं मुख खोला। सत जो जनत ही आनन कीन्हा, आनन यानी मुख, आ ये जो दूरी थी मुख की 1200 किलोमीटर लंबी। अब आप कल्पना करिए उसका शरीर कितना बड़ा होगा। हनुमान जी सोचे यदि मैं 200 जोजन का हो गया तो आधा शरीर राम जी के पास और आधा शरीर सीता जी के पास। तो भगवान सोचेंगे ये पता करने गया कि खेल खेलने गया। और हनुमान जी सोचे क्या गारंटी है कि मेरे 200 होने के बाद ये 300 की नहीं होगी, ऐसे तो अंत ही नहीं पड़ेगा, मैं भी बढ़ रहा हूं ये भी बढ़ रही है।
जैसे सुरसा सौ योजन का मुख खोली, हनुमान जी महाराज अति लघु रूप बनाए, अति लघु इतना छोटा, अब बनाकर बदन पैठी पुनि बाहिर आवा। छोटा रूप बना के हनुमान जी महाराज सुरसा के भीतर चले गए, मुख में भीतर जाके हनुमान जी लगे देखने, सब क्या देखने लगे, इसका किडनी उडनी सब सही है कि नहीं, हार्ट वार्ट एकदम बढ़िया चकाचक, लीवर ओवर काम कर रहा है, कोई गड़बड़ी और गड़बड़ी थी तो थोड़ा ठीक को कर दी हनुमान जी। और उसके बदन में जाकर भीतर हनुमान जी बाहर आ गए। कई लोग कहते हैं महाराज जब हनुमान जी भीतर गए थे सुरसा के तो सुरसा ने मुंह क्यों नहीं बंद किया, खोल के क्यों रखी थी कि बाहर आ जाए, छुटका मुंह है कि पट से बंद हो जाएगा, 1200 किलोमीटर लंबा मुख खोली है, हवाई जहाज को जाने में 2 घंटा लगता है, 1200 किलोमीटर बेचारी बंद कर रही थी, बड़े स्पीड से गति से बंद कर रही थी, लेकिन अभी आधा ही बंद कर पाई थी तब तक हनुमान जी महाराज भीतर घूम घाम के बाहर आ गए। बाहर आए और हाथ जोड़कर प्रणाम किए, बोले माँ अब तो मैं आपके पेट से निकला हूं, इस नाते तुम्हारा बच्चा हो गया, क्या अब भी आप मुझको खाओगी? सुरसा ने कहा हनुमान जी मैं आपको खाने के लिए नहीं आई थी, मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। हनुमान जी देवता लोग मुझे आपके बल बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजे थे, आपके बल और बुद्धि का पता चल गया, आपके बढ़े हुए स्वरूप को देखकर बल का पता चला और आप छोटा बन के इस समस्या से बाहर आ गए, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया, जाइए आशीर्वाद देती हूँ, राम काज सब करिहउ तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर से चले ओ हनुमान। आशीर्वाद मिला, अब हनुमान जी आगे बढ़े उससे पहले आप लोग आगे बढ़ जाइए, हनुमान जी आगे बढ़े उससे पहले थोड़ा थोड़ा आप लोग बढ़ जाइए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय स्थान दिखाई पड़े ना तो आगे बढ़ाइए आप लोग पीछे भी, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग आएंगे, अभी जो समय हुआ है ना, कोई लौट के ना जावे, ठीक ना, हमको कोई बता रहा था महाराज कल बहुत लोग चले गए लौट के,
स्थान नहीं था इसलिए, लेकिन आज अंत भला तो सब भला, ई भरी जाए तो इधर जगह है, इधर भी उठा दीजिएगा रास्ते में भी, मंच पे नहीं उधर उधर। आप दर्शन करिए, जो सुरसा हनुमान जी को खाने आई थी वो आशीर्वाद दे गई। क्यों? जीवन में जब जब आप छोटा बन के रहेंगे ना, जहां जाइएगा आपको आशीर्वाद ही प्राप्त होगा जीवन में। बड़ा बनिएगा तो समस्या बड़ी हो जाएगी, और छोटा बनिएगा तो समस्या छोटी होकर निकल जाएगी। अब भगवान को प्राप्त करना है तो छोटा तो बनना ही पड़ेगा। हम लोग पंजाब गए थे कथा गाने, तो पंजाब में गीत सुने पंजाबी में, कौन सा गाना है? अच्छा, हम भुला गए अपनो धुन। निवा हो के चल बंदया निबिया नु रब मिलता, निवा हो के चल बंदया निबिया नु रब मिलता, निबिया नु रब मिलता, निबिया नु रब मिलता, निबिया नु रब मिलता, निबिया नु रब मिलता। निवा हो के चल बंदया निबिया नु रब मिलता, के चल बंदया निबिया नु रब मिलता, निबिया नु रब मिलता, निबिया नु रब मिलता। निवा हो के, निवा माने झुक के चल बंदया, हे बंदे झुक के चल को, क्यों? निबिया नु रब मिलता, जो झुक के चलता है उसी को भगवान मिलता है। ए थोड़ा झुकने का स्वभाव बनाओ यार, अकड़ अकड़ उतर जाएगी। साधु संत कहते हैं झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो सिर्फ मुर्दे की पहचान होती है। मुर्दा अकड़ के रहता है, वो जिसमें प्राण रहता है वो नहीं अकड़ता। झुकिए झुकिए, हनुमान जी झुके, परिणाम आशीर्वाद मिला। क्या? राम काज सब करिहउ तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो इधर हरषि चलेउ हनुमान। सुरसा ने कहा आप राम जी का सब काम पूरा करिएगा। हनुमान जी सोचे सब काम, भगवान ने तो केवल एक काम बताया है। क्या काम? कही बल बिरह बेग तुम आयो। भगवान ने कहा है कि केवल सीता जी से मिलके अब बिरह बल बता के चले आना। यही बात हमको जामवंत जी बोले थे कि सीता ही देखी कहो सुधी आई। तो जामवंत जी और राम जी ने एक एक काम बताया, और ये सुरसा बोल रही कि सब काम करना, ये नया काम कहां से आ गया? बोले चलो आगे देखा जाएगा, ठीक ना। आगे चले हनुमान जी तो ठीक लंका के पहले समुद्र में, कहिए तो लंका से 1.5 किलोमीटर पहले समुद्र में रावण ने एक राक्षसी को बिठाया है जिसका नाम है सिंहिका। जानते कौन है? राहु की मम्मी है, जो राहु है ना, राहु उसकी मम्मी है। कौन? सिंहिका। इसका एक ही काम है, आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं की परछाई को पकड़ती है, खींच के अब पानी में डुबा के मार देती है। सोई छल हनुमान कह के, हनुमान जी के साथ उसने वही छल किया, लेकिन हनुमान जी महाराज तासु कपट कपि तुरत ही चीन्हा। श्री हनुमान जी के परछाई को पकड़ के सिंह का लगी खींचने नीचे,
हनुमान जी सोचे भाई आगे जाते जाते नीचे जाने लगा, नीचे देखे तो देखे सिंह का खींच रही है। हनुमान जी उसकी कपट को पहचान गए, क्या ये परीक्षा लेने नहीं मारने आई है। हनुमान जी धीरे धीरे नीचे जाने लगे, शरीर छोड़ दिए, कहे खींचो खींचो, क्यों खींच के पास में जब लाओगी रेंज में आओगी तब न प्रसाद मिलेगा तुमको। सिंह का खींच के जब हनुमान जी को पास में लाई, हनुमान जी मुष्टिका बांधे और सिंह का ऊपर एक मुष्टिका का प्रहार, जय श्री राम। ताहि मार मारुत सुत बीरा, बार दिपार गयो मति धीरा। एक मुष्टिका मारा सिंह का, वही समाप्त हो गए। लंका के तीन शिखर है, तीन कूट, त्रिकूट पर्वत, एक कूट खाली था, हनुमान जी उसी पर चढ़ गए शिखर पर। उस शिखर पर रावण ने काल को पहरे में बिठाया था। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं बेटा काल पहरा दे रहा था, साक्षात काल। रावण ने कहा था काल को कि जो भी इधर से आए उसको खा जाना। काल हनुमान जी को देखा, दौड़ा काल हनुमान जी को खाने के लिए। हनुमान जी काल को पकड़े और दबा लिए दांत में, दांत में काल को रख के गाल में लगे दांत किटकिटाने हनुमान जी। पार्वती जी बोली बाबा क्या बोल रहे हैं, हनुमान जी काल को गाल में दबा लिए। बाबा बोले देवी हनुमान जी की महिमा नहीं है। उमा न कछु कपि के अधिकारी, ये तो प्रभु प्रताप जो काल ही खाए। ये रघुनाथ जी का प्रताप है कि आज हनुमान जी काल को भी अपना निवाला बना सकते हैं। अब दांत पकड़ के दांत में हनुमान जी लगे दांत किटकिटाने। अब बंदर का दांत लगने के बाद कितना आनंद आता है, आए है किसी को बंदर काटा होगा वही बताएगा। काल लगा बाप बाप चिल्लाने, हनुमान जी बोले ना ना खा लो। काल कहने लगा हनुमान जी छोड़ दीजिए, गलती हो गई, अब नहीं दौड़ूंगा कभी। हनुमान जी बोले एक शर्त पे छोड़ूंगा, क्या जा रहा हूं लंका में, जिसकी ओर इशारा करूं उठाओ उसको उठाते जाना। हनुमान जी बोले जिसकी ओर कहूंगा उसको उठाओगे ना। काल बोला पहले हमको छोड़िए, नहीं तो कहीं मैं ना उठ जाऊं आज, आप जिसको कहिएगा उसको मैं उठा दूंगा। हनुमान जी काल को छोड़े, लंका का देख दर्शन किया, लंका देखा। हनुमान जी सोचे दिन में जाना उचित नहीं है, बहुत रखवाले हैं, संध्या बेला में जब प्रकाश कम होगा ना उसी समय लंका में प्रवेश करूंगा। ठीक संध्या बेला में दीपक रखने के लिए लंका का मुख्य पट खोला गया, मुख्य द्वार। उसी समय हनुमान जी छोटा सा रूप बनाए, मशक यानी मच्छर, यहां पर नहीं अर्थ है मच्छर, कई लोग कहते हैं हनुमान जी मच्छर बन गए। हनुमान जी है बंदर ही, बानर के ही रूप में है, लेकिन आकार छोटा कर लिया, छोटा सा सूक्ष्म आकार बनाकर मशक समान रूप कपिधरे, मशक समान रूप कपिधरे, लंक ही चले उसु मेरे नर हरे, लंक ही चले उसु मेरे नर हरे, नाम लंकिनी एक निश्चरी, नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चल सी मोहि निंदरे, सो कह चल सी मोहि निंदरे, जानही नहीं मरम सठ मोरा, जानही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगे छोरा, मोर आहार जहां लगे छोरा, मोर आहार जहां लगे छोरा। हनुमान जी महाराज छोटा रूप बना के लंका में दबे पांव धीरे धीरे प्रवेश करने लगे। ठीक लंका के मुख्य द्वार पर रावण ने एक राक्षसी को बिठाया है जिसका नाम है लंकिनी। क्या नाम है? लंकिनी ने हनुमान जी को देख लिया, समझ गई चोर की भांति जा रहा है लंका में घुसपैठ करने की कोशिश, मेरे रहते है, जोर से चिल्लाई, बोली तू जानता नहीं है सठ, जो लंका में चोरी करने आता है मैं चोरों को ही पकड़ पकड़ के खाती हूं,
हनुमान जी बोले क्या बोली, हमको सठ बोली, और कहती हो चोर को खाती हूँ। हनुमान जी बोले तुम्हारा जीवन बेकार हो गया, अरे खाना है तो आम खाओ, आम का सीजन चल रहा है, राम खाओ, आम, राम का नाम लो मुख में और आम खाओ, राम और राम। बोली राम बोलना मत यहाँ पे, लंका में राम बोलना राष्ट्रद्रोह है। और आम क्या होता है, हनुमान जी बोले खाओगी, बोली लाए हो, बोले बहुत लेके आए हो, नीचे आओ। लंकनी झुकी, हनुमान जी पीछे मुष्टिका बांध के रखे थे, बोले लिया हूं पीछे, नीचे आओ नीचे आओ। नीचे जैसे झुकी हनुमान जी महाराज, मुष्टिका एक महा मुष्टिका को बांध कर लंकनी के सिर पर दे मारा, जय श्री राम। मुष्टिका एक महा कपि हनी, हनी हनी मैंने धर दिया। जैसे एक मुष्टिका दिया हो, रुधिर बमत धर नी ढन मनी, खून की उल्टी करके ढिमुलिया मार गई। ढिमुलिया मारना जानते हैं? हाँ हाँ, लोहिया जी बता रहे हैं, बचपन में मारे हैं ना, हम मारे हैं। गुलाटी मारना उसको भोजपुरी में ढिमुलिया मारना कहते हैं। ढन मनी, एक एक मुष्टिका मारा हनुमान जी ने, खून की उल्टी करके यहां से वहां तक फेंका गई। हनुमान जी गए उठा के, आम कैसा लगा, कैसा लगा आम? बोली मैं बहुत भाग्यशाली हूं, क्यों आम खाने को मिला इसलिए। हनुमान जी बोले पहले ये बात बोलती कि भाग्यशाली हूं तो ये न पड़ता। बोली नहीं नहीं यही तो पहचान था, ब्रह्मा जी ने रावण को जब वरदान दिया तो जाते समय हमको बुला के कहा, सुन सुन तू लंकिनी है ना, मैंने कहा हाँ। ब्रह्मा जी बोले तुमको मारेगा, हमने कहा कौन मारेगा, बोले एक बंदर आएगा वही तुमको मारेगा, समझ लेना वो बंदर नहीं है, वो भगवान का दूत है। हाँ भगवान के दूत के हाथ से यदि मार भी पड़ जाए तो समझना तुम्हारा भाग्य उदय हो गया, वो भगवान का दूत होगा। आप जैसे संत का दर्शन मिला मैं तो कृतार्थ हो गई हनुमान जी। बोली जाइए, व्यवहारिक रूप से कहूं, आप किसी दूसरे देश में जाते हैं ना तो बॉर्डर पर आपको अपना पासपोर्ट और वीजा दिखाना पड़ता है, पासपोर्ट में वीजा रहता है वो दिखाना पड़ता है। फिर बॉर्डर पर जो इमिग्रेशन ऑफिसर रहते हैं आपके पासपोर्ट में ठप्पा मारते हैं कि आप इतने दिन तक यहां यहां इस देश में घूम सकते हैं। लंकिनी ना लंका की इमिग्रेशन ऑफिसर है। हनुमान जी गए तो एक मुक्का का वीजा दिखाया अपना, वीजा दिखाया ना, एक मुष्टिका मारा वीजा दिखाया। अब लंकिनी हनुमान जी के पासपोर्ट पे ठप्पा लगा रही है, कहां कहां जाना है, कहती है प्रभिसि नगर की जय, सब खा जा हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधार पो करही पद सिंधु अनल सित लाए, गरुण सुमेरु रेणु समताई, राम कृपा करचित वाजाए। अति लघु रूप धरो हनुमाना, अति लघु रूप धरो हनुमाना, बैठा नगर सुमेर भगवाना, बैठा नगर जाकर मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, गयउ दसानन मंदिर माही, गयउ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कहि जात सुनाही, अति विचित्र कहि जात सुनाही, शयन किए देखा कपिते, शयन किए देखा कपिते, मंदिर महुन देख पैदे, मंदिर महुन देख पैदे, भवन एक पुन दीख सुहावा, भवन एक पुन दीख सुहावा, हर मंदिर तह भिन्न बना, 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 भिन्न
न बनावा। हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश किए, लंकिनी ने कहा कि जाइए, जो काम करना है करिए, कोई रोकने वाला नहीं है आपको। हनुमान जी गए लंका में, रात भर घूमे, मंदिर मंदिर गए, जहां जाते थे योद्धा दिखाई पड़ते थे। रावण के मंदिर में जाकर देखे, रावण मंदिर में ही मदिरा पी के सोया था, सीता मैया नहीं मिली। ढूंढते ढूंढते सवेरा भया, भोर बेला, उस भोर बेले के उजाले में तब तक भावना एक पुनी दिखा सुहावा, एक सुहावना भवन दिखाई पड़ा। क्यों? क्योंकि यहां पर हरि मंदिर तहां भिन्न बनावा। इस भवन में जो मंदिर बना है वो और मंदिरों से भिन्न था। भिन्न क्यों था? मंदिर के दीवाल पर रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी नजा, आंगन में नव तुलसी का वृंदता देखे हरस कबीरा। मंदिर के दीवार पर राम जी के आयुध धनुष बाण बने थे, आंगन में तुलसी जी का विरवा लगा था। हनुमान जी महाराज चलते चलते उस घर को देखकर रुक गए। क्यों? तुलसी जी हैं, धनुष बाण बना है, इसका मतलब भगवान के भक्त का घर है। लंका निसाचरों की नगरी, यहां बाबा जी कहां से आ गए? भगत जी देखिए, आलू और भगवान का भगत, धरती के जिस कोना में जाइएगा वहीं पाइएगा आप। आलू और भगत, भगवान के भगत, ये सब जगह पाए जाते हैं। हनुमान जी महाराज खड़े हो गए, मन में तर्क करने लगे, और इधर हनुमान जी तर्क कर रहे हैं और ठीक उसी समय भीतर क्या हुआ? कहिए कहिए। ते ही समाय विभीषण जागा। हनुमान जी महाराज घर के बाहर खड़े होकर तर्क कर रहे हैं, मनमहु तर्क करे कपिल आगा। ठीक उसी समय घर के भीतर विभीषण जी जगे, और जगने के बाद क्या बोले? हाँ हाँ हाँ, चाय चाय नहीं बोले। विभीषण जी जगने के बाद क्या बोले? राम राम। राम राम कैसे बोले? बोलिए। जगने के बाद विभीषण जी बोले राम राम। अब आप कल्पना करो, विभीषण जी 2 BHK के फ्लैट में नहीं रहते हैं, उनका अपना महल है, महल के भीतर उनका शयन कक्ष, उस शयन कक्ष के अपने बिस्तर पर सोकर उठे हैं। हनुमान जी कहां है? महल के बाहर सड़क पर। अब विभीषण जी अपने बेडरूम में उठ के राम राम बोलेंगे और हनुमान जी को सुनाई पड़ेगा? इतना धीरे बोले होंगे? रोज भले धीरे बोलते हो, लेकिन आज न जाने कैसे विभीषण जी के मुख से बहुत जोर से निकला राम राम। राम राम कैसे बोले? राम राम। कैसे बोले? राम राम। एक साथ राम राम। कहां बोले? भीतर। गलत तो नहीं कह रहा हूं ना? आप बताओ, धीरे बोलेंगे तो बाहर कैसे सुनाई पड़ेगा? और देखिए, विभीषण जी बोले नहीं, भगवान बुलवाए। क्यों? इस बात को कहां गए देवेंद्र भैया? आप लोग ध्यान से सुनिए, भगवान के कार्य को करने के लिए, सत्कर्म का व्यवहार करने के लिए आप सूचना दे दीजिए, प्रतीक्षा मत करिए, चल पड़िए।
आप प्रतीक्षा करिएगा कि सब लोग जुटेंगे तब चलेंगे, न डेढ़ मन तेल होई न राधा नची है, न सब लोग आएंगे न आप चलेंगे, आते तो ठीक है नहीं आते तो आप चलिए, क्यों भगवान के काम में चलेंगे ना तो दुनिया भले आपके साथ ना हो भगवान आपके हमेशा साथ रहेंगे और जगह जगह पर आपकी व्यवस्था भी करते रहेंगे। बंगाल में कविवर रविंद्रनाथ टैगोर भाई, उन्होंने एक गीत लिखा बांग्ला में, आप लोगों को बांग्ला समझ में आती है तब तो बढ़िया है, कुछ भी गा देंगे आपको समझ में आने वाला नहीं है। टैगोर जी कहते हैं, अरे जोदी के उडाक सुने तोर नासे तबे एकला चलो रे, जोदी के उडाक सुने तोर नासे तबे एकला चलो रे, एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे, एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे, जोदी के उडाक सुने तोर नासे तबे एकला चलो रे, जोदी के उडाक सुने तोर नासे तबे एकला चलो रे, तबे एकला चलो रे, तबे एकला चलो रे। कहते हैं यदि तुम्हारी आवाज को सुनकर कोई नहीं आ रहा है तो अकेला चलो, अकेले चलो, अकेले चलो और आप लोग आगे चलो, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए भैया, और आगे आ जाइए, और आगे आ जाइए, और आगे आ जाइए, आप लोग भी थोड़ा आगे आ जाओ, ये टेबल से थोड़ा हट के रहिएगा बस, हाँ। बस बस हाँ। एकला चलो रे, एकला चलो रे, हाँ हाँ एकला चलो रे, डाक मने आवाज, कहते हैं यदि तुम्हारे डाक यानी आवाज को सुनकर क्यों ना आसे कोई नहीं आ रहा है तो प्रतीक्षा मत करो, एकला चलो, अकेले चलो। हनुमान जी महाराज विभीषण जी का एड्रेस लेके नहीं आए थे, अकेले आ गए थे, मिलवाने के लिए भगवान ने ही विभीषण जी को जगाया और भगवान के नाम का स्मरण किया। हनुमान जी सुने राम, समझ गए भगवान के भगत हैं और इनसे मैं पहचान करूंगा, क्यों करूंगा, क्योंकि साधु ते होइ नकारज, भगवान के भक्त हैं साधु हैं, इनसे हमको हानि होने वाली नहीं है। अब पहचान कैसे होगा, तो हनुमान जी सोचे जैसे वो राम जी का नाम लिए तो मैं आश्चर्यचकित हो गया, यदि मैं बाहर नाम लूंगा तो भीतर वो भी आश्चर्यचकित होंगे। हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप बना के लगे भगवान के नाम का कीर्तन करने, विभीषण जी सुने राम 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 राम, लंका में राम कहने का परमिट केवल मेरे पास है और ये बाहर राम राम बोल रहे हैं, इसका मतलब लंका का नहीं जरूर कोई विदेशी आया है। हनुमान जी की बात आवाज सुनकर विभीषण जी दौड़कर बाहर आए, हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बनाए थे इसलिए विभीषण जी ने प्रणाम किया, करी प्रणाम पूछी कुशला, प्रणाम करके ब्राह्मण देवता के रूप में हनुमान जी की विभीषण जी ने कुशलता पूछी। कुशलता क्यों पूछी, लंका में राम कहने पर बड़ी पिटाई होती थी, विभीषण जी सोचे खुलियाम राम बोल रहे हैं कोई मार के मत चला गया हो, बोले विभीषण जी कुशल है ना सब, तब ठीक ठाक है ना। हनुमान जी बोले मेरी मत पूछिए, जिसको जिसको प्रसादी बांट के आया हूं मैं उसकी कुशलता आप जाके पूछिए, मैं एकदम कुशल हूं। विभीषण जी बोले आप कौन है, भगवान के दूत है का, हमको तो लग रहा है कि आप भगवान ही आ गए हैं, आप हे ब्राह्मण देवता आप अपनी कथा सुनाइए। हनुमान जी बोले कथा सुननी है कि व्यथा, बोले कथा क्यों, हनुमान जी बोले मैं जीव हूं, जीव की कथा नहीं होती, जीव की केवल व्यथा होती है, कथा तो मेरे राघव जी की होती है, आपको कथा सुननी है कि व्यथा। विभीषण जी बोले कथा, हनुमान जी बोले उसी को सुनाने तो आया हूं, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा।
कहे सब राम कथा निज नामा हनुमंत कहे सब राम कथा निज नामा सुनत जुगल तन पुलक मना सुनत जुगल तन पुलक मना मगन सुमिर गुण ग्राम जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय राम कथा जय श्री राम कथा इसे श्रवण कर मिट जाती है इसे श्रवण कर मिट जाती है कथा श्रवण कर मिट जाती है कथा श्रवण कर मिट जाती सौ जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा तब हनुमंत कहे सब राम कथा फिर निज नाम भगवान के भक्त का यही पहचान है जो भगवान का भक्त होगा ना पहले अपने बारे में नहीं बताएगा पहले भगवान के बारे में बताएगा उसके बाद अपना परिचय बताएगा और जो भगत नहीं है वो पहले अपना ही परिचय बताएगा हनुमान जी पहले राम कथा सुनाए और उसके बाद बोले मैं उन्हीं भगवान श्री राम का दूत हनुमान आपके सामने खड़ा हूं है विभीषण जी गदगद हो गए क्यों देखूं नयन राम कर दूता ये जो पाई दूसरे जगह की है लेकिन यहां सट गया क्यों प्रसन्न है क्योंकि आंखों से भगवान का दूत दिखाई पड़ा हनुमान जी कहे विभीषण जी कैसे रहते हैं आप यहां पर निशाचरों के बीच में भगवान का भक्त कैसे रहता है यहां पर विभीषण जी बोले ये मत पूछिए हनुमान जी जिस प्रकार दांतों के बीच में जिह्वा रहती है ना उसी प्रकार इन राक्षसों के बीच में मैं रहता हूं अब देखिए हनुमान जी ज्ञान इनाम अग्रगण्यम कैसे हैं सोचने लगे कि विभीषण जी अपने आप को जीभ बोले और राक्षसों को क्या बोले दांत हनुमान जी सोचते हैं कि कोई आदमी किसी को अपशब्द कहता है तो अपशब्द किसने कहा जिह्वा ने सुनने वाले को क्रोध आया और सामने मारा एक मुक्का मुंह पर तो टूटा कौन दांत अपशब्द किसने कहा था जिह्वा ने टूटा कौन दांत हनुमान जी सोचे ये जीव हैं और राक्षस सब दांत हैं इसका मतलब ये काम करेंगे और राक्षस सब अपने आप टूट के समाप्त हो जाएंगे अरे बस बस इनको अपनी गोल में शामिल करना है इनको अपना बनाना है अपना कैसे बनाया जा सकता है देखिए भगवान के स्वभाव को बताकर किसी को भी भगवान का बनाया जा सकता है विभीषण जी कहे हनुमान जी क्या भगवान मेरे पर कभी कृपा करेंगे लेकिन आज एक बात पर मुझे भरोसा हो गया अब मोहि भरोसा हरि कृपा मिलही नहि संता बिनु हरि कृपा मिलही नहि संता संत कैसे मिलते हैं भगवान की कृपा से लेकिन मानस में एक और चौपाई है अरे पुण्य पुंज बिनु मिलही न संता
क्या हो गया? एक चौपाई कहती है कि बिना पुण्य के संत नहीं मिलेंगे, दूसरी चौपाई कहती है जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक संत नहीं मिलेंगे। सही कौन? एक बात तो उत्तर की है, दूसरी बात दक्षिण की है, सही कौन? तुलसी जी कौन सही? नहीं नहीं, दोनों दो बात है, दोनों दो बात है। देखिए दोनों सही है, दोनों का स्थान अलग अलग है। पहली बात, पुण्य पुंज बिनु मिलही न संता। आप इतने लोग कथा के विश्राम सत्र में आए हैं, क्या विराट नगर में बस इतने लोग हैं? कहिए, आप इसलिए आए हैं कि आपके जीवन के पुण्य ने आपको घर में बैठने नहीं दिया और उस पुण्य ने आपको घर से निकालकर भगवान की कथा तक पहुंचा दिया। जीवन में जब पुण्य होगा तो हम घर से निकल के और उस पुण्य के सहारे संत के दरवाजे पहुंच जाएंगे। यहां कहा गया पुण्य पुंज बिनु मिल ही ना संता। पुण्य होगा तो आप जाकर संत से मिल लेंगे। अब दूसरी बात, बिनु हरि कृपा, लेकिन जब भगवान की कृपा हो जाएगी ना तो आपको घर से कहीं जाना नहीं है, संत ही आपके घर आकर और आपको अपना दर्शन प्रदान कर देंगे। जब संत आकर दर्शन दें तो समझिएगा ये पुण्य से नहीं मिला है, ये भगवान की कृपा से हमको दर्शन प्राप्त भया। दोनों दो स्थान। विभीषण जी कहते हैं हनुमान जी आप जैसा संत आकर मुझे दर्श दिया है ये मेरे पर भगवान की कृपा है। क्या भगवान मुझे अपनाएंगे? हनुमान जी कहते हैं आप अपनी बात करते हो, मुझे देखिए ना, मैं कौन बहुत बड़े खानदान से आया हूं, कपी हूं, चंचल हूं, मेरे जैसे अधम पर भी रघुनाथ जी की करुणा बरस रही है। विभीषण जी जब मेरे जैसे अधम पर भी भगवान ने कृपा कर दी तो आप पर तो कृपा अवश्य बरसेगी, आप भगवान की सेवा करी। राम जी कहते हैं क्या, करही सदा सेवक पर प्रीत। हे विभीषण जी ये भगवान की रीति है, सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, भगवान अपने सेवक पर सदैव कृपा करते हैं। विभीषण जी गदगद हो गए। हनुमान जी ने सीता जी का पता पूछा कहां है, युक्ति पूछी कि कैसे अशोक वाटिका में पहुंचूंगा, और वही छोटा सा रूप बना के हनुमान जी जिस अशोक वृक्ष के नीचे मेरी मां बैठी थी जाकर उसी के ऊपर हनुमान जी महाराज बैठ गए। अशोक के पत्तों के पीछे छिप के हनुमान जी सोचने लगे क्या करूं। तब तक रावण अपनी रानियों के साथ, सैनिकों के साथ सीता जी के पास आया और आकर हमिंग आ रही है। आकर रावण ने मेरी मां को अनेक प्रकार से डराया धमकाया। रावण क्या कहता है, एक बार देख लो बस, एक बार बिलोक मम ओरा। सीता मैया ने रावण और अपने बीच में तिनके को लाके खड़ा कर दिया। तिनका, तिनका क्यों? कि सीता जी का जन्म धरती से हुआ है और तिनका कहां मिलता है, धरती पर। इस नाते तिनका मेरी मां का भाई हो गया। जब पापी दुराचारी सामने आया तो मां ने अपने भाई को बीच में लाके खड़ा कर दिया। मां कहती है वीर बनता है, तुझे लज्जा नहीं आती, एकांत में तूने मेरा हरण किया है। अरे मेरे प्रभु के बाण से डर रावण, मेरे प्रभु सूर्य है और उस सूर्य के आगे तेरी क्षमता जुगनू के समान नहीं है। ऐ सुना मैं जुगनू, निकाल लिया चंद्रहास, खड़ग मार दूंगा। समझाया मंदोदरी जी ने, कहा नहीं,
उचित नहीं है। रावण ने माँ की सेवा में जो राक्षसियां थी उनको कहा, समझाओ सीता को, एक मास के भीतर यदि इसने मेरी बात ना मानी तो चंद्रहास खड्ग से सिर को धड़ से अलग कर दूंगा। डरा धमका कर गया। माँ की सेवा में जो मुख्य राक्षसी थी उसका जानते क्या नाम था? हाँ, त्रिजटा नाम राक्षसी एका। परिचय क्या है? राम चरण रति निपुण विवेका। जिस राम चरण रति को भरत जी अभी मांग रहे हैं, रति मने प्रेम, उस राम चरण रति को त्रिजटा प्राप्त करके बैठी है। राम जी की परम भक्त है त्रिजटा। रावण ने अनजाने में त्रिजटा जी को नहीं रखा है, जानबूझ के रखा है कि त्रिजटा राम भक्त है। यदि सीता जी के पास त्रिजटा रहेगी तो सीता मैया को अपने मन की बात कहने में कोई कष्ट नहीं होगा, इसलिए त्रिजटा को लगाया है। रावण के जाने के बाद त्रिजटा जी ने राक्षसियों को बुलाकर कहा, सुनो एक बानर आया है। हनुमान जी सुनो जी, देख लिया क्या इसने मुझे? राक्षसियां पूछी कहां आया है, तब तक त्रिजटा बोली सपने में आया है। सपने बानर लंका जा रही, एक बंदर आया है सपने में मैंने देखा और उसने लंका को जला दिया, निशाचरी सेना को समाप्त कर दिया, रावण के दसों सिर मुंडित हो गया है, बीसों भुजाएं कट गई हैं, रावण गधा पर बैठा है, मुख पे कालिक पुत गया है और गधा पर बैठकर रावण दक्षिण दिशा में गया है, लंका के राजा विभीषण हो गए हैं और पूरी लंका में राम जी का जय जयकार हो रहा है। और एक बात बोलूं, चार दिन के भीतर ये सपना सत्य होने वाला है। हनुमान जी सोचे, अब समझ में आया मुझे, भगवान ने एक काम बताया था, जामवंत जी ने एक काम बताया था, लेकिन सुरसा ने कहा राम काज सब करी हो, और लंकिनी ने भी कहा था प्रभिसी नगर की जय सब काज, सब काजा। आज पता चला वो सब काम क्या है। पहला काम लंका को जलाना, ठीक प्रभु जलाऊंगा, जात उधान सेना सब मारी मारूंगा। रावण की बात है, नहीं नहीं, जामवंत जी ने मना किया, रावण को टच मत करना, रावण को जो टकला हुआ है भुजा कट गई है ये भगवान करेंगे, ठीक प्रभु ये दो काम मैं करके आऊंगा। हनुमान जी समझ गए कि भगवान ने इसको सपना देखकर और मेरे पास ईमेल भिजवाया है, कहे तो व्हाट्सएप का मैसेज भिजवाया है भगवान ने मेरे पास कि बेटा ये काम मैंने कहना, मैं कहने में भूल गया, इसको भी करके आना। रात्रि में सीता मैया अग्नि मांगती है त्रिजटा से, त्रिजटा कहती यहां अग्नि का काम ही नहीं, सब कच्चे खा लेते हैं, पकाने का काम ही नहीं है। त्रिजटा चली गई तो सीता जी तारों से, चंद्रमा से, अशोक के पत्तों से अग्नि मांगती है। हनुमान जी ऊपर बैठे हैं, मां की व्याकुलता देखकर हनुमान जी भगवान की अंगूठी मुख में रखे थे, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, ऊपर से गिरा दिए, दीन मुद्रिका डारितम डारितम, जैसे गिराए पीले रंग की अंगूठी सोने की, दूर गिरा तो हनुमान मां को लगा कि अग्नि है, मां दौड़ कर गई उठाई, अरे अरे चकिता चितावा मुदरी पहचानी, मां पहचान गई, पहले तो हर्ष बाद में विषाद हृदय अकुलानी, पहले मुद्रिका देखकर मां प्रसन्न भई, अगले क्षण उदास भई, क्यों? माया से ऐसी मुद्रिका बन नहीं सकती और ये अजेय है, इसको कोई जीत नहीं सकता, तो ये मुद्रिका यहां आई कैसे, कौन लाया इसको? मां के विस्मय भाव को सुनकर हनुमान जी ऊपर से लगे भगवान की कथा गाने, अरे राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया
सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम चंद्र गुण वरनय लागा राम चंद्र गुण वरनय लागा सुनतहि माता कर दुख भागा सुनतहि माता कर दुख भागा लागे सुनय श्रवण मन लाए सुनय श्रवण मन लाए आदि होते सब कथा सुनाए आदि होते सब कथा सुनाए श्रवणामृत जहि कथा सुहाए श्रवणामृत जहि कथा सुहाए कही सुप्रगट होत किन भाई कही सुप्रगट होत किन भाई तप हनुमंत निकट चली गयो फिर बैठी मन विसमय भयो तब हनुमंत निकट चली गयो फिर बैठी मन विसमय भयो हनुमान जी ऊपर से लगे राम कथा सुनाने माँ कथा सुनने लगी और उनका सारा दुख समाप्त हो गया। जब कथा बंद भई तो माँ बेचैन हो गई। माँ ने कहा भाई हे भाई जिसने मेरे काम को कानों को अमृत पान कराया हे भैया वो आप मेरे सामने क्यों नहीं आते। हनुमान जी देखिए तो गलत हो गया, मैं माई का लड़का हूँ और माई मुझे भाई बोल रही है, लगता है माँ मुझे पहचान नहीं पाई। जैसे माँ ने भाई भाई कहा हनुमान जी तुरंत कूद के बोले माई भाई नहीं लड़का है, कूद ही पड़े। और हनुमान जी जब नीचे आए ना तो माँ फिर बैठी मन विस्मय भयो। हनुमान जी को देखकर माँ ने मुख घुमा लिया, क्यों चित्र लिखित कपि देखे डराहि। सीता मैया बंदर के फोटो से भी डरती थी, आज तो सही का बंदर आ गया। मारे डर के माँ ने मुख घुमा लिया। अब आप बताओ आप कहीं जाओ और आपको कोई देखकर मुख मोड़ ले कैसा लगेगा देवेंद्र जी, कैसा लगेगा। हनुमान जी गए तो माँ ने मुख घुमा लिया। हनुमान जी को बोले बस बस माँ बहुत बढ़िया किया आपने, उचित किया। क्यों जिस बेटे के रहते उसकी माँ का हरण हो जाए माँ उस बेटे का मुख देखने योग्य नहीं होता, मेरा मुख देखने लायक नहीं है माँ, मेरी माँ का हरण हो गया। सीता मैया मुख घुमाए बोली तुम मुझे माँ किस अधिकार से बोल रहे हो, मैं तुम्हारी माँ कैसी। तब हनुमान जी बोले माँ राम दूत मैं माँ तू जानकी सत्य शपथ करुणा निधान माँ करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूँ मैं राम जी का दूत हूँ माँ और ये मुद्रिका मैं ही लेकर आया हूँ। ये जो करुणा निधान शब्द है ना सीता मैया इसी नाम से राम जी को बुलाती थी। ये नाम सीता जी को पुष्प वाटिका में पार्वती जी ने दिया था। करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रारो। मां सोची कि जिस नाम से मैं बुलाती हूं उस नाम को भी जानता है। इसका अर्थ है ये अंतरंग भाव का भगवान का सेवक है। मां ने पूछा तुम तो बानर हो अब प्रभु नर है, ये बानर नर की संगति कैसे हो गई। हनुमान जी ने बाली सुग्रीव की पूरी कथा सुनाई। मां को जब विश्वास भया कि ये भगवान का दूत है ऐ है सजल नयन पुलकावली बाढ़ी, मां ने हनुमान जी को गोद में बिठाया, कहा हनुमान क्या आपके प्रभु को मेरी याद नहीं आती। हनुमान तुम्हारे प्रभु का हृदय बड़ा कोमल है ना, आज मेरे लिए इतने निष्ठुर क्यों हो गए हैं, उनको मेरी याद नहीं आती। हनुमान हनुमान जी बोले माँ मेरे प्रभु आपको दोगुना अधिक आपसे याद करते। जीवन में कभी भी दो लोगों के बीच में यदि बात करनी पड़े ना तो ऐसी ही बात करनी चाहिए कि दोनों का प्रेम और बढ़ जाए।
ऐसी बात कदापि नहीं करनी चाहिए कि देखा देखी बंद हो जाए। हनुमान जी बोले, मां मेरे प्रभु आपको दोगुना अधिक याद करते हैं। राम जी ने तो हमसे कहा, हनुमान जाकर सीता से कहना, जब से सीता गई है राम के शरीर में कमल के पंखुड़ियों के नोक भाले के समान चुभते हैं। सीता से कहना कि सीता के बिना राम के लिए ये रात्रि काल रात्रि बन गई है, चंद्रमा सूर्य से अधिक तपते हैं। अब बादल राम के ऊपर जल की वर्षा नहीं करते, बादल राम के ऊपर तपते तेल की वर्षा करते हैं। हनुमान मेरी सीता से कहना, ये शीतल मंद सुगंध हवाएं राम के शरीर को सर्प के फुंकार की भांति लगते हैं। मां मेरे प्रभु और आपके प्रेम को प्रभु का मन समझता है, और जो मन समझता है ना मां, वो मेरे प्रभु का मन प्रभु के पास नहीं, राम जी का मन दिन रात आपके ही पास रहता है मां। अरे मां, कुछ दिनों की बात है मां, हनुमान जी स्वरूप बदले अपना। मां कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आई है रघुबीरा। जिस प्रकार अग्नि में कीड़े मकोड़े जलकर भस्म होते हैं मां, प्रभु आएंगे और उनके बाण रूपी अग्नि में सारे निसाचर जल के भस्म होंगे। इतने छोटे हैं हनुमान जी, इतने छोटे, इतने मां की गोद में बैठे हैं और कहते हैं, मां दुहाई राम जी की, प्रभु ने अनुमति नहीं दी है, नहीं तो मैं अभी मां तुम्हें जाऊं लेवाई, मैं अभी आपको उठा के ले जाता, लेकिन प्रभु ने लाने के लिए नहीं कहा है। मां सोची, खुद मेरी गोद में बैठा है, टैया भर का है और कह रहा है उठा के ले जाऊंगा। तो मां ने कहा, हनुमान तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बंदर हैं कपी, सबका साइज तुम्हारे इतना है कि कोई तुमसे भी बड़ा है। हनुमान जी देखे कि मां को संशय हो रहा है। हनुमान जी कहे, मां ये तो नकली है, असली मैंने नहीं दिखाया, दिखाऊं क्या? मां ने कहा, एक बार दिखाओ। हनुमान जी पीछे गए और जो स्वरूप समुद्र के किनारे कपियों को दिखाया था वही स्वरूप मां के सामने। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बल वीरा, मां के सामने हनुमान जी स्वर्ण की श्रृंखला की भांति खड़े हो गए। मां ने कहा, इतना बड़ा? हनुमान जी बोले, मां ये छोटका है, बड़का दिखाऊं? मां बोली, जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ, इतना बल? हनुमान जी बोले, यही तो बात है मां। सुन माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ही खाई परम लघु व्यास। हनुमान जी कहते, मां हम शाखा के हिरण हैं, डाल पे रहने वाले, हमारा इतना ही बल है मां कि हम एक डाल से दूसरे डाल पर छलांग लगा सकते हैं। ना बल है ना बुद्धि है, एक है भरोसा। क्या? जो सर्प को गरुण जी खाते हैं मां, यदि प्रभु का आशीर्वाद मिल जाए ना, तो एक छोटा सा सांप भी गरुण को अपना भोजन बना सकता है। मां ने सुना कि बच्चे के पास बल नहीं है। देखिए मां, मां जीवन भर अपने बच्चे को बलवान बनाने में लगी रहती है। किसी की भी मां हो यही कहती है, खा ले नहीं तो कमजोर हो जाएगा, खा लो नहीं तो कमजोर हो जाओगे। सीता मैया से हनुमान जी बोले, मां तुम्हार लड़का के पास बल नहीं है। मां मां कही कि बेटा मां के पास आया है, अभी मां अपने बच्चे को आशीर्वाद दे के बलवान बनाती है। मां ने कहा, आशीष देने राम प्रिय जाना, आशीष देने राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना, हो तात बल शील निधाना, अजर अमारा गुण निधि सुत हो, अजर अमारा
आशीर्वाद दिया, अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, बलवान हो जाओ। लेकिन बलवान के बाद वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या शीलवान हो जाओ। बलवान को शील बहुत कम होता है, बुरा मत मानिएगा। जो बच्चे जिम में जाके तनिक बॉडी ओडी बना लेते हैं तो उसके बाद उनका चाल देखिए, ऐसे घूमते हैं। क्यों? बिना मतलब में धक्का मार के चलते हैं, जानते हैं कि हमसे कोई उलझेगा नहीं। बलवान को शील नहीं होता है। कोई बलवान पहलवान नहीं बैठा ना यहाँ पे, क्षमा करिएगा। माँ ने कहा बलवान हो जाओ लेकिन शीलवान हो जाओ, अर्थात बल का प्रयोग वही करना जहां उसकी आवश्यकता हो, उसके अलावा प्रयोग मत करना। और अंतिम आशीर्वाद, हनुमान तुम्हारे प्रभु राम जी तुम्हारे पर बहुत कृपा करें, मैं तुमको आशीर्वाद देती हूं। हनुमान जी महाराज अंतिम वाला सुने ना, करहु कृपा प्रभु अस सुनी काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमान। बहुत नाचे, नाचने के बाद कहे माई बहुत जोर की भूख लगी है। तब हनुमान जी बोले माँ अशोक वाटिका में इतने फल लगे हैं, खा लूं? माँ ने कहा बहुत मोटे मोटे रखवाले हैं। हनुमान जी बोले उनका भय नहीं है माँ। क्यों? अभी अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद दिया है तो थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखूंगा कितना बल आ गया है मेरे में। तिनकर भय माता मोहिनाहि, यदि आप प्रसन्न हो तो आदेश दो। माँ ने कहा ठीक है जाओ, हृदय में राम जी जो बैठे हैं उनको पहले भोग लगाना फिर खाना। हनुमान जी चले और सोचने लगे कि त्रिजटा ने कहा था सपने बानर लंका जारी, जात धान सेना सब मारे, तो इन राक्षसों को मारने के लिए पहले कुछ उत्पात करना पड़ेगा। उत्पात करूंगा आएंगे लड़ने तब ना मारूंगा, ऐसा सोच के हनुमान जी चले और जाकर दर्शन करिए। चले उनाई सिर पैठे उबागा, चले उनाई सिर पैठे उबागा, फल खाए सितरु तोरे लागा, फल खाए सितरु तोरे लागा, रहे तहां बहु भट रखवारे, रहे तहां बहु भट रखवारे, कछु मारे से कछु जाए पुकारे, कछु मारे से कछु जाए पुकारे, नाथ एक आवा कपि भारी, नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक बाटिका उजारी, तेहि अशोक बाटिका उजारी, खाए से फल अरु बिटपौ पारी, खाए से फल अरु बिटपौ पारी, रक्षक मारि मारि मही डारे, रक्षक मारि मारि मही डारे, सुनि रावण पठए भट नाना, सुनि रावण पठए भट नाना, तिनहि देखि कर देउ हनुमाना, तिनहि देखि कर देउ हनुमान, सब रजनी चर कपि संघारे, सब रजनी चर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अध मारे, गए पुकारत कछु अध मारे, पुण्य पठयउ तहि अक्ष कुमारा, पुण्य पठयउ तहि अक्ष कुमारा, चला संघ लय सुभट अपारा, चला संघ लय सुभट अपारा, आवत देखि बिटप गहि तर जाता, ताहि निपाति महाधुनि गरजु, आवत देखि बिटप गहि तर जाता, ताहि निपाति महाधुनि गरजा। हनुमान जी बाग में गए और पहले पेट भर के खाए, पहले भर गया पेट, फल खा ऐसी तरु तोरे लागा, लगे वृक्षों को तोड़ तोड़ के फेंकने। रखवाले देखिए, अरे बंदर आया है, अशोक वाटिका उजाड़ रहा है। रखवाले गए हनुमान जी, रक्षक मर्द मर्द महिडारे, 15 राक्षस को इधर पकड़ते हैं, 15 को इधर पकड़ के मर्द मने रगड़ना, पकड़ के धरती में रगड़ने लगे, सीताराम सीताराम सीताराम, पकड़े
और तीन बार जहां पकड़ के सीता राम सीता राम सीता राम स्वाहा सीता राम सीता राम। रखवाले आते गए सीता राम करते गए, रगड़ रगड़ के मार डाला। अंत में हनुमान जी पकड़े 10 को इधर 12 को इधर और जैसे अभी एक बार रगड़ा था सीता राम सीता राम, बोले हम आखिरी हैं। हनुमान जी बोले मतलब? बोले सारे मर गए, हम आखिरी रखवाले बचे हैं, आधा तो मारी डाले हो। अच्छा, बोले हमको मार दीजिएगा तो रावण को कौन बताएगा? बोले ठीक है जाओ जाके रावण को बताओ मैं आ गया हूं, जाओ जाओ जल्दी जाओ। अब बेचारे आधे रगड़ रगड़े जा चुके थे तो हाथ पांव तो टूट गया था, लंगड़ते घसटते पहुंचे रावण के पास, जाकर बोले नाथ एक आवा कपि भारी, भारी बहुत भारी बंदर आया है। जितना मेंटेनेंस पर आपने खर्चा किया था ना अशोक वाटिका का, पाउडर कोरे फैले चे। हम जब केमिस्ट्री पढ़ते थे ना, केमिस्ट्री पढ़ते थे कॉलेज में बीएससी में, तो हमारे सर थे केमिस्ट्री के पीसी सर, पीसी चंद्र। तो उसी समय अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था, तो सर बड़े गुस्से में रहते थे, तो बोलते थे जानो अमेरिका ना अमेरिका लादेन के पाउडर कोरे फेल बे, पाउडर कोरे फेल बे, मैंने कहते थे पाउडर बना देगा। रखवाले कहते पूरा का पूरा अशोक वाटिका उजाड़ के बराबर कर दिया। रावण बोला तुम लोग क्या? बोले तुम लोग कहिए हम बोल दिए कि आखिरी है तो बच गए, नहीं तो रगड़ ही दिया था पूरा। अच्छा, रावण ने भटों को भेजा, सुनी रावण पठाए भटनाना, भट गए। हनुमान जी महाराज जैसे गदा लेते हैं ना, गदा एक विशाल वृक्ष उखाड़ के लेकर बैठे हैं। भट आए हनुमान जी के पास और जैसे माई लोग घर में झाड़ू लगाती है ना, हो हनुमान जी पूरा वृक्ष लेके बैठे थे और जैसे भट आए जय श्री राम जय श्री राम, जैसे झाड़ू लगाना शुरू किए सारे भट भटाभट मर गए। इधर उधर छटक के जो बचे पहुंचे रावण के पास, मार दिया। रावण बोला रगड़ा क्या? नहीं झाड़ू लगाया। झाड़ू लगाया कैसे? सामने गया मारा पेड़ से सब मर गए। रावण बोला मूर्ख तुम लोग, जब बाजानते हो सामने से मारता है तो पीछे से क्यों नहीं गए? बोले प्रभु सामने वाला तो थोड़ी देर टिका भी था, जो पीछे गया ना उसको पूंछ में लपेट लपेट के मारा। अच्छा, रावण का एक बेटा है अक्षय कुमार, कहा पिताजी मैं जाता हूं। रावण बोला जाओ। चला संग लय सुभट, सुभटों को लेकर आया अक्षय कुमार। हनुमान जी अब आपको बताऊं, अंगद कहे थे कि मैं जा सकता हूं वापस नहीं आ सकता। क्यों? अंगद में और अक्षय कुमार में शत्रुता थी। अक्षय कुमार अंगद जानते हैं कि जाऊंगा अक्षय कुमार वह मार डालेगा। हनुमान जी को बोले थे हनुमान जी और किसी को मारिएगा चाहे मत मारिएगा, अक्षय कुमार वहां मिले ना उसको जरूर मानिएगा। वही अक्षय कुमार आया, हनुमान जी अक्षय कुमार को देखे, आवत देख बिटप गई तरजा, एक विशाल वृक्ष हनुमान जी हाथ में उठा लिए, दौड़ पड़े और अक्षय कुमार के रथ पर पूरा का पूरा वृक्ष दे मारा जय श्री राम। चटनी बन गया उसका, उसी में दब के मर गया। अब उसके साथ सुभट आए थे, जब सेनापति मर गया तो इनका क्या होगा? गोस्वामी जी कहते हैं सुभटों को जो राक्षस आए हैं लड़ने के लिए, हनुमान जी जैसे आप लोग मच्छर मारते हैं ना, कल रात को 3 बजे तक मैं मच्छर मारा हूं। हाँ, वो जो लगा है ना मशीन वो काम ही नहीं करता है। मतलब मैं बताऊं, मच्छर भी उसका एंटीडोज बना लिए होंगे कि उस लिक्विड का असर ना हो उन पर। अब सो तो मच्छर काटे, तो 2:30 बजे उठ के हिट निकाल के हिट मारा पूरे कमरे में। अब मार के आधी घंटा उधर बैठा रहा सोफा पर और उसके बाद 3 बजे सोया हूं। ये तो आनंद है। तो जैसे मच्छर मारते ना मच्छर, हनुमान जी कछु मारे सी, राक्षसों को उठा के हाथ में रखते हैं कछु मार, भट, 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 भट,
उठा के मारने लगे कछु मार सी, तो बोले हम कैसा नहीं, मतलब हमको पुराना स्टाइल कैसे रगड़ने वाला कछु मार देते। कुछ को मारा कुछ को रगड़ा, बाकी के बोले नहीं हमको न मारिए न रगड़िए, फिर दूसरा कुछ सोच लीजिए। हनुमान जी बोले इधर आओ तुम्हारा फेसियल करूं। कुछ को मारा कुछ को रगड़ा कछु मिलिए सीधरी धूल, पकड़ के धूल में रगड़ने लगे, धूल में रगड़ रगड़ के बिठाने लगे, आंख में नाक में कान में पूरे शरीर में धूले धूल उठा के, जैसे सोपीस बनता है ना, सोपीस बना के रखते गए राक्षसों को, इसी में कुछ भाग गए। पहुंचे रावण के पास, बाहर से चिल्लाते हैं सुभट, मर गया मर गया मर गया। रावण नाचने लगा, बंदर मर गया, बंदर बंदर नहीं तुम्हारा बेटा मर गया, बंदर कौन अक्षय कुमार मर गया। और रखवालों ने गलत सूचना दी थी, प्रभु कपि नहीं आया है, प्रभु मरकट बलभूरी, मरकट आया है मरकट। रावण बोला मरकट क्या है, बहुत मारता है प्रभु, इतना मारता है ना, और समय दिखाई पड़े तुरंत काट लेता है, मारता भी है काटता भी है, मरकट दोनों है। अच्छा मरकट, बुलाया अपने बेटे मेघनाथ को, बोला तुम जाओ लेकिन याद रहे मारना मत, केवल पकड़ के लाओ उसको, मारे सुजन सुत बांधे, क्यों जानता है जाएगा मारने तो खुद मर जाएगा। मेघनाथ चला, उस सुभट को बुलाया, कहा बताओ मेरे भाई को कैसे मारा। कुछ नहीं, अक्षय कुमार गया पूरा का पूरा वृक्ष उठा के उसके ऊपर चला दिया, उसी में मर गया। अच्छा ऐसे मारता है, भरोसे में मत रहिएगा, हर बार स्टाइल बदल के मारता है, हो सकता है आपको दूसरे स्टाइल से मारे। मेघनाथ चला चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा, कपि देखा दारुण भट आवा, कपि देखा दारुण भट आवा, कट कटाई कर जा रु धावा, कट कटाई कर जा रु धावा, अति विशाल तरु एक उपारा, अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ कीन्ह लंकेश कुमारा, बिरथ कीन्ह लंकेश कुमारा। मेघनाथ के ऊपर पूरा का पूरा वृक्ष चला के मार दिया। मेघनाथ को पहले से पता था, जैसे हनुमान जी चलाए रथ से कूद के भाग गया, उसका रथ खंड खंड हो गया, आकाश में चला गया ऊपर ऊपर। हनुमान जी कहे बेटा भी बुलाता हूं नीचे रुक। मेघनाथ के साथ कौन था, महाभट्ट, पहले भट्ट, भट्ट के बाद सुभट्ट, सुभट्ट के बाद महाभट्ट। आपने बंदर देखा है राजन भैया, बाल होते हैं ना शरीर में बंदर, कितने बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े। माई लोग घर में जिससे कपड़ा रगड़ती हैं ब्रश से, उसमें जैसे कांटा रहता है ना, हनुमान जी अपने शरीर के सारे बाल को सुई के समान नुकीला कर लिए, शरीर के जितने बाल हैं सुई के समान नुकीले हो गए। और उसके बाद जितने महाभट आए थे, 50 को इधर पकड़ा, 50 को इधर पकड़ा, अब पकड़ के रहे महाभट्ट ताके संगा, रहे महाभट्ट ताके संगा, पकड़ के संगा, कहीं कहीं कपि मर दही निजंगा, कहीं कहीं कपि मर दही निजंगा, पकड़ के लगे शरीर में रगड़ मर दही निजंगा, बात कल्पना करी मर दही निजंगा। काले काले राक्षस इतनी रगड़ाई शुरू भई कि गोरे होने लगे, चमड़ा छिलने लगा हो, टूटने में उतना दर्द नहीं करता जितना छिलने में करता है। हनुमान जी रगड़ना शुरू किए, राक्षस चिल्लाए युवराज रगड़ के मार रहा है। मेघनाथ देखा मेरे आदमियों को रगड़ रहा है, नीचे आया मेघनाथ, हनुमान जी छोड़े मेघनाथ से भिड़े और एक मुष्टिका जय श्री राम, मुठिका मारी जाए। वहीं पेड़ पे चढ़ गए। मेघनाथ 24 मिनट के लिए बेहोश हो गया। हनुमान जी वहीं पेड़ पे बैठ के देख रहे हैं, क्यों उठेगा तो दूसरा मारूंगा। मूर्छा गई, धीरे से आंख खोल के देखा ऊपर बैठा है, अरे बाप
अब पता चला पिताजी ने क्यों मना किया था मारना मत। एक मुक्का मार के बेहोश कर दिया, दूसरा मारेगा सीताराम। इसको और कोई उपाय नहीं, अब ब्रह्मास्त्र चलाना होगा। और आप सब जानते हैं श्री हनुमान जी को बचपन में आशीर्वाद मिला है किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का उन पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ब्रह्मास्त्र मेघनाथ ने चलाया, हनुमान जी सोचे विफल हो जाएगा तो महिमा गिर जाएगी। महिमा बचाने के लिए हनुमान जी नाटक किए। क्या किए? जैसे ब्रह्मास्त्र आया आंख बंद करके गिर पड़े, नाटक। अब गिरे भी तो कहां गिरे, खाली जगह नहीं गिरे, परतिहु बार कटक संहारा, जहां राक्षस नाच रहे थे उनके ऊपर ही गिर गए, दबा के 50 राक्षस को मार दिए। हनुमान जी नाटक करके बेहोश होने का गिरे हैं। आया मेघनाथ, बोला अब आया उठ पहाड़ के नीचे, उठा के ले चलो इसको। राक्षस बोले तुम भी उठाओ, पकड़ लेगा ना तो रगड़ के भूसी निकाल देगा। एक राक्षस ने कहा युवराज सबसे खतरनाक इसका हाथ है, उसी से पकड़ के रगड़ता है, जब तक आप इसका हाथ नहीं बांधिएगा ना कोई छुएगा नहीं इसको। तो मेघनाथ ने नाग पास में बांधा, सारे राक्षस हनुमान जी को उठा के लेके जाने लगे। अब आप बताइए बेहोश तो है नहीं, बेहोश है का, नाटक कर रहे हैं ना। राक्षस हनुमान जी को उठा के लेके जा रहे हैं, हनुमान जी ने धीरे से अपना आंख खोल दिया। अच्छा तुम लोग उठाए हो। अब जो सिर के पास राक्षस थे देखे तो जगह है। हनुमान जी बोले तुम लोग उठाए हो। राक्षस लगे रोने, हम तो मना किए थे नहीं उठाएंगे, हम साफ मना किए थे नहीं उठाएंगे, वो मेघनाथवा उठवाया है हम लोगों से, रगड़ेंगे नहीं ना, अब तक पूरा परपरा रहा है। हनुमान जी बोले जो बोलेंगे बोलोगे? बोले बोले राक्षस दुनिया की कोई भाषा बोल देंगे हम, बस रगड़िएगा मत। हनुमान जी बोले मेरे साथ बोलो, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मेघनाथ सुना मेरे सिपाही राम सिया चिल्लाया, शत्रु का नाम लेते हो? राक्षस बोले ले नहीं रहे, लिवा रहा है। आपको क्या लगता है बेहोश है जगा हुआ है? हम लोगों का तो रगड़ चुका है, तुम ही बचे हो। और बोला है कि जो नहीं बोलेगा उसको रगड़ूंगा। अगर चाहते हो कि तुमको ना रगड़े तो तुम भी नाम लो। कीर्तन कराते कराते हनुमान जी सबको लेकर गए, रावण की सभा में पहुंचे। रावण देखते आग बबूला हो गया। देखिए कमजोर आदमी चिल्लाता बहुत है, घर में भी परिवार में भी जो कमजोर रहता है ना वो बहुत जोर जोर से चिल्लाता है। क्यों? वो सोचता है मैं जोर से चिल्लाऊंगा तो सबकी आवाज दब जाएगी। रावण हनुमान जी पे बरस पड़ा, कौन है तू, किसका बंदर है, मेरा नाम नहीं सुना है, राक्षसों को क्यों मारा, वृक्ष क्यों उखाड़ा? हनुमान जी बोले एक साथ इतना प्रश्न, तुम पूछे मैं कौन हूं, उत्तर सुनो। जिसके इशारे को प्राप्त करके माया सृष्टि को जन्म देती है, पालन करती है, विलय करती है, जिसके बल को प्राप्त करके शेष अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण करते हैं, जिसने तुम्हारे सामने शिव के पिनाक को खंड खंड कर दिया, जिसकी लेश मात्र बल को प्राप्त करके तुमने चराचर को जीत लिया, जिसकी पत्नी का तुमने हरण किया, मैं उसी राम का दूत हूं। रावण की बोलती बंद हो गई। हनुमान जी बोले अच्छा तुम्हारा दूसरा प्रश्न, मैंने तुम्हारा नाम नहीं सुना, सुना है ना रावण का नाम, तुम वही हो ना जो बाली से लड़े थे? आपको बताऊं रावण बाली से लड़ने गया तो बाली पहले दिन ही उठा के पटक दिया, रावण को हरा दिया। अब बाली सोचा कि मैं कहूंगा कि रावण को हराया हूं कोई मानेगा? तो बाली क्या किया, रावण को ऐसे पकड़ा और यहां दबा लिया और ऐसे दबा के वर्ल्ड टूर पे निकल गया। लगा घूमने, जहां जाता था वहां जाकर के देखो 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 रावण, देखो देखो हराया हूं इसको, देखो प्रमाण दिखाता था कि रावण को हराया हूं।
हनुमान जी बोले वही रावण हो ना, बाली से 6 महीना लड़े थे, कितना सुंदर तुम लड़े थे। रावण देखा ही तो सारा बोल खोल देगा मेरा। सुनी कपि बचन कहा बाबा बाबा चुप 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 चुप। पता है कि तुम जानते हो मुझे। अच्छा ये बताओ वृक्ष क्यों उखाड़े? हनुमान जी बोले बानर उखाड़ेगा नहीं तो लगाएगा। राक्षसों को क्यों मारे? बोले मैंने नहीं मारा, जिन मोहि मारा दे मैं मारे, जिसने मुझे मारा मैंने उसको मारा। रावण बोला है बधा हुआ है लेकिन देखो लज्जा नहीं आ रही है। हनुमान जी बोले कौन बधा हुआ है? जय श्री राम। जैसे जय श्री राम बोले पूरा बंधन टूट गया, राक्षस भागने लगे, भागो, हाथ खुल गया उसका। हनुमान जी बोले अरे रुको रुको आज नहीं रगड़ूंगा। हनुमान जी ने यहां पर रावण को बहुत समझाया, लेकिन एक बात समझिएगा, समझाया उसको जा सकता है जो न समझा हो। जो पहले से भैया समझ के बैठा है उसको भगवान भी समझाने वाले नहीं है। नहीं तुलसी बाबू, हनुमान जी समझाए, रावण नहीं माना। रावण ने कहा इसका प्राण ले लो। विभीषण जी ने कहा दूत को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता, कोई और उपाय। हनुमान जी के पूछ में आग लगाने की आज्ञा दे दी रावण ने। और आप सब जानते हैं बाढ़ी पूछ कीन कपि खेला, आग लगाए सब हनुमान जी पूरी लंका में घूमने लगे। अब आप बताओ जिसके पूछ में आग लगेगी वो शांत बैठेगा? वो तो बेचारा कूदेगा ना। हनुमान जी लगे कूदने, उसी में उलटी पलटी लंका सब जारी। समुद्र में कूदे, अग्नि को शांत करके पूछ की सीता मैया के पास से चूड़ा मणि लेकर हनुमान जी भगवान के पास वापस